नमस्कार दोस्तों, मार्बल दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं दीपिका मार्बल मूर्ति मकराना, जहां पे हम अलग अलग मकराना मार्बल की मूर्तियों के बारे में जानकारी लेंगे। मैं आपको सोनू जी के पास अवेलेबल और रेडी मकराना मार्बल मूर्तियों के बारे में एक बार के लिए शॉर्ट में जानकारी के साथ वीडियो दिखा देता हूँ, फिर अपन बात करेंगे ये जो गणेश प्रतिमाएं हमें दिखाई दे रही है इनके बारे में। और जो यहाँ रेडी मूर्तियाँ हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप देखें, ऐसी किसी भी प्रकार की मूर्ति के लिए आप सोनू जी से संपर्क कर सकते हैं। सोनू जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो सोनू जी, आज किसके बारे में जानकारी लेके आए सर? मैं गणेश जी भगवान जो 2.5 फीट के अंदर है, 30 इंची 30 इंची 18 इंची 36 इंची 3 फीट तक है। अच्छा, छोटी से लेके बड़ी साइज तक के गणेश प्रतिमाओं के बारे में आज जानकारी है। और मकराना के सभी नंबर, जैसे 2 नंबर, 1.5 नंबर और 1 नंबर मार्बल के अंदर भी अवेलेबल है। अच्छा, तो सर बताइए हमें पहले मूर्ति जो है इसके बारे में जानकारी दीजिए सर। सर ये है गणेश जी की मकराना के 1 नंबर हाइट में 30 इंची में। जैसा की आप देखिए, मैं मूर्ति की हाइट आपको विद मीटर्स के साथ दिखा रहा हूँ, तो आप चेक करेंगे की ये मूर्ति सोनू जी जैसा बता रहे हैं ये आपके सामने 30 इंच की आ रही है, यानी 30 इंच यानी 2.5 फीट। तो ये मकराना किस नंबर, मकराना 1 नंबर के अंदर बनी हुई है। अच्छा, सुपर क्वालिटी के अंदर मकराना 1 नंबर मार्बल है। मैं आपको नजदीक से जूम करके कंप्लीट पोर्शन दिखा देता हूँ, आप चेक करिएगा एक बार के लिए। ये मकराना 1 नंबर सुपर वाइट मार्बल है। और इसकी प्राइस कितनी आ जाएगी सर? ये सुपर के अंदर है, इसकी प्राइस है 90,000 रुपए। अच्छा, सुपर के अंदर 90,000 रुपए इसकी आ जाती है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, 30 इंच 2.5 फीट। हाँ। अच्छा, नेक्स्ट वाली जो मूर्ति है सर, इसके बारे में जानकारी दीजिए। ये गणेश जी की 1.5 नंबर के अंदर बनी हुई है मकराना मार्बल। अच्छा, ये संगमरमर मार्बल के अंदर बनी हुई है। हाइट इसकी भी 30 इंच। हाँ, इसकी भी 30 इंच हाइट है। अच्छा, और ये मकराना 1.5 नंबर में है। हाँ, ये 1.5 नंबर के अंदर है। तो दर्शकों दोनों चीजें नोटिस कीजिएगा, एक मूर्ति आपके सामने 1 नंबर मकराना व्हाइट मार्बल में है और दूसरी मूर्ति आपकी मकराना 1.5 नंबर मार्बल में है। तो दोनों का व्यू कैसा आता है वो दोनों आप चेक कर सकते हैं। तो सोनू जी, इसकी प्राइस के बारे में जानकारी दीजिए सर। इसकी प्राइस है 45,000 रुपए। अच्छा, डायरेक्ट ही आधी हो जाती है प्राइस। हाँ, मकराना 1 नंबर और 1.5 नंबर में इतना डिफरेंस है कि रेट 50% डाउन हो जाती है। हो सकती है, बिल्कुल। अच्छा, और दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि हाँ, मैं दोनों मूर्तियां एक साथ कस्टमर को दिखा रहा हूँ। तो अगर उनका बजट कम होता है तो मकराना 1.5 नंबर में भी अपनी मूर्ति बनवा सकते हैं और बहुत ही प्यारी और सुंदर, जैसा कि आप खुद देखिए दोनों मूर्तियां दिखाई दे रही है। मुझे तो दोनों ही बहुत प्यारी और औसम दिखाई दे रही है। आपको कैसी भी बनवानी हो तो आप ऐसी मूर्ति बनवा सकते हैं। अच्छा सोनू जी, ये तीसरी वाली मूर्ति इसके बारे में जानकारी दीजिए सर। ये 18 इंची हाइट के अंदर है। ये 18 इंच हाइट के अंदर छोटी मूर्ति है, आप देखिएगा एक बार मीटर्स लगा के बताइए सर। ये 18 इंची हाइट में है। ये आप देखेंगे कि ये 18 इंच के अंदर आ रही है, 18 इंच यानी 1.5 फीट। हाँ, 1.5 फीट 1.5 फीट में मूर्ति। और ये कितने नंबर मार्बल में है सर? ये मकराना 1.5 नंबर है, इसकी रेट है 25,000 रुपए। अच्छा, ये मकराना 1.5 नंबर मार्बल में है और 1.5 फीट हाइट में है, इसकी प्राइस 25,000 रुपए। अगर यही 2 नंबर मकराना मार्बल में हो तो? ये अगर 2 नंबर मार्बल में तो 18,000 रुपए। अच्छा, अगर ये 2 नंबर मार्बल में बनवाते हो, यानी फुल पेंटिंग मार्बल मूर्ति जिसको बोलते हैं, अगर आप वैसी बनवाते हो तो ओनली 18,000 में बन जाती है। तो तीनों मूर्तियां मैं एक बार आपको कंप्लीट दिखा देता हूँ। आप देखिए, फर्स्ट मूर्ति 90,000, सेकंड मूर्ति 45,000 और जो थर्ड वाली मूर्ति है वो 25 और 18,000 में आपको पड़ने वाली है। मकराना व्हाइट मार्बल के अंदर जो दुनिया का सबसे बेस्ट और सर्वोच्चतम मार्बल है वो सोनू जी के पास अवेलेबल मूर्तियाँ रहती है। आप मूर्तियाँ किसी भी प्रकार से बनवा सकते हैं, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन। एक बार सोनू जी जानकारी ले लेते हैं सर, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की फैसिलिटी अवेलेबल है? अवेलेबल है, सब पार्टी सर्टिफाइड है। आज तक आप मेरा चैनल है मार्बल दुनिया में भी आप देख सकते हो, कस्टमर सर्टिफाइड होता है कि नहीं होता है, बहुत सारी वीडियो है कस्टमर के साथ में, क्योंकि हम यहाँ से ऑनलाइन बेचते हैं तो माल पैसा भी हम जैसे 50% बाकी छोड़ते हैं, तो माल पहुँचने पे चेक करने के बाद में ही पेमेंट आता है। अच्छा, कस्टमर पहले 50% पेमेंट कर देता है, 50% उसके पास माल डिलीवरी के रूप में पहुँच जाता है, वो चेक करता है, अच्छा लगता है, फिर पेमेंट करता है। हाँ बिल्कुल, हमारे आदमी सामने कोई टूट फूट होती है, क्योंकि उससे पहले उसको वक्त व्हाट्सएप वीडियो से दिखाया जाता है और वही माल उसके पास भेज दिया जाता है। अच्छा, वो चेक करता है, जानकारी क्लाइंट के पास रहती है और आराम से उसके पास पेमेंट की फैसिलिटी भी है, 50% देखने के बाद देता है। और तो माल चेक करो, अगर टूटता है तो वो मेरा होता है, दीपिका मार्बल का। अच्छा, फिर दूसरी देने की गारंटी होती है मेरी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर किसी प्रकार की टूट फूट आ जाती है तो ये आपकी जो मूर्ति है उसे रिप्लेस कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आपको एकदम बिल्कुल रीजनेबल बेस्ट क्वालिटी का मार्बल की मूर्ति आपके घर मिलेगी। बिल्कुल, सिटी के अंदर, घर पे नहीं भेजूंगा, सिटी के अंदर। हाँ, मतलब मकराना जो मार्बल्स होता है वो कुरियर की तरह डिलीवर नहीं किया जा सकता, इसको किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट के जरिए सेल किया जाता है। हाँ, तो वो आपके सिटी नजदीकी एरिया तक आपके पास पहुंच जाता है। हाँ, फिर आपको जाके लेना है, ड्राइवर से आराम से चेक करना है, उसके बाद आप सर्टिफाइड हो, पेमेंट कर सकते हो। अच्छा, और इसकी डिलीवरी की सारी जानकारी आपको दे दी जाती है, जिस गाड़ी में भी ये माल डिलीवर किया जाता है वो सारी जानकारी मिल जाती है। मिल जाती है। अच्छा सोनू जी, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।
अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मार्बल दुनिया चैनल में हम विभिन्न प्रकार के मार्बल उत्पादों की जानकारी आपके लिए लेके आते रहते हैं। चैनल के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त करें, लेकिन किसी भी प्रकार के क्रय विक्रय में मार्बल दुनिया यूट्यूब चैनल की किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगी। क्रय विक्रय आप अपने स्वयं विवेक से करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण जानकारियां लेके आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।